बरेली के फरीदपुर में बैंड बाजे वाले के पास मजदूरी करने गया नाबालिग अपने घर नहीं लौटा, जबकि थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन एक महीने बाद भी किशोर को तलाश नहीं कर सकी है। वहीं परिजनों ने अनहोनी की आशंका पर एसएसपी से अपने गुमशुदा बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार फरीदपुर थाना क्षेत्र के गुलाब नगर निवासी उमाशंकर का 14 वर्षीय बेटा सूरज बिसलपुर रोड स्थित कमल बैंड पर काम करता था, जहां बैंड मालिक सूरज से ठेली और जनरेटर में धक्का लगाने का कार्य करवाता था। वहीं बीती 27 मई को भी सूरज घर से कमल बैंड पर काम करने गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। जब पिता उमाशंकर ने बैंड मालिक के पास पहुंचकर बच्चे के बारे में पूछा तो उसने कोई साफ बात नहीं बताई, जिसके बाद उमाशंकर ने फरीदपुर थाने में बेटे के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन एक महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है। इस दौरान लापता बच्चे का पिता और मां सुमित्रा पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, फिर भी उनके बेटे का कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं आज एक बार फिर मां ने अपने बेटे के बरामदगी के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। मेरे लड़का 27 तारीख को फरीदपुर काम करने आए थे 8 बजे, मगर हुआ कैसे, आज एक महीना 9 दिन हो गए, आज तक घर पे ना आए, पता ना कोई गुम कर ले क्या लग ले, ना पता किसके पास काम करने गया था। गए बैंड बजा वाले दुकान पे लाए थे उठाते थे, और वजन जितने वो गए हैंगे, वजन 27 तारीख की 28 को मैंने फोन लगाया, बोले मेरे पास ना आया। क्या नाम है बेटे को? सूरज नाम है। कितनी उम्र होगी? 14 साल की उम्र। थाने में शिकायत की थी? थाने शिकायत की थी, मगर कार्रवाई हो रही, मगर जब आकर मैं मालूम करे तो कदा आदमी